चलिए दोस्तों, आपको मैं एक मजेदार ट्रिक दिखाता हूँ। ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। अब सपोज कि मुझे अपने इस लैपटॉप को सिंगल क्लिक में शट डाउन करना हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करते ही ये जो मेरा सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट होने लगेगा। नॉर्मली दोस्तों, अगर हमें अपने सिस्टम को शट डाउन या फिर रिस्टार्ट करना हो तो हमें सबसे पहले स्टार्ट पर जाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर ये पावर ऑप्शन पर जाना पड़ता है और यहाँ पर हमें स्लीप शट डाउन या रिस्टार्ट के ऑप्शंस शो होती हैं। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमारे सिस्टम पर कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन भी हो सकते हैं, तो ऐसे में हमें उन सारे सॉफ्टवेयर को वन बाई वन क्लोज करना होगा और उसके बाद हम अपने सिस्टम को शट डाउन या फिर रिस्टार्ट कर पाते हैं, तो इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में ये वाली जो ट्रिक है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। अब इस ट्रिक का यूज करके आप कैसे अपने लिए एक शॉर्टकट या फिर रिस्टार्ट का आइकन क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर आना है और राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर न्यू पर आना है और न्यू के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्टकट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम शट डाउन के लिए एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे शट डाउन, उसके बाद स्पेस हाइफन एस, यहाँ पर ये जो एस है वो शट डाउन के लिए, अगर इस एस की जगह मैं यहाँ पर आर कर दूंगा तो वो रिस्टार्ट के लिए हो जाएगा। स्पेस, उसके बाद यहाँ पर हाइफन टी स्पेस 00, यहाँ पर टी जो है वो टाइम को डोनेट कर, और ये 00 है वो इसके लिए कि 00 टाइम पे, यानी कि जस्ट क्लिक करते ही हमारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाना चाहिए विदाउट एनी डिले। उसके बाद हाइफन स्पेस और एफ, यहाँ पर एफ का मतलब है कि फोर्स, ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है वो फोर्सफुली शट डाउन हो जाए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और इसका नाम शट डाउन रहने देते हैं और फिनिश कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस आइकन पर आकर शॉर्टकट पर आकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ आइकन देख लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे को ये वाला आइकन शट डाउन भी ठीक लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से भी ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शट डाउन का जो शॉर्टकट है उसका यहाँ पर आइकन चेंज हो गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करके मैं चाहूँ तो इसे पिन टू स्टार्ट भी कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पर पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये यहाँ पर हमारे टास्क बार पर आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर जाऊँ स्टार्ट पे और यहाँ पर देखूँ तो ये यहाँ पर पिन टू स्टार्ट भी हो गया, यहाँ पर भी हमारा ये शट डाउन वाला शॉर्टकट आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें रिस्टार्ट करना हो अपने सिस्टम को तो हम अपने रिस्टार्ट करने के लिए भी एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस है, हमको डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ पर न्यू पर आना है, उसके बाद शॉर्टकट पर आना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं, नहीं नाम तो यहाँ पर शट डाउन ही देना है हमको। उसके बाद स्पेस हाइफन, यहाँ पर पहले हमने शट डाउन के लिए एस किया था, अभी यहाँ पे हमको आर करना है, स्पेस हाइफन, उसके बाद यहाँ पर टी स्पेस 00 स्पेस हाइफन एफ, एफ और फोर्स, यानी कि फोर्सफुली हमको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इसका नाम हम रख देते हैं रीस्टार्ट, उसके बाद इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रिस्टार्ट का यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इसको आइकन बनाने के यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चेंज आइकन में जाएंगे और ओके कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम कोई एक आइकन सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे इस रीस्टार्ट के शॉर्टकट के लिए ठीक हो। ठीक है, तो मैं इसमें देख रहा हूँ ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, शट डाउन के लिए रेड वाला था पावर बटन और ये यहाँ पर ब्लू कलर का है पावर बटन, इसे हम मैं रीस्टार्ट का बना लेता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ, यहाँ भी ओके कर देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो जो रीस्टार्ट का आइकन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अगर मुझे ये टास्क बार में लगाना हो तो इस पर राइट क्लिक करूंगा और प्रिंट टू टास्क बार कर दूंगा। ठीक है, अब अगर इस पर रिस्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा और अगर शट डाउन पर क्लिक करूंगा तो मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी ट्रिक कैसे लगी नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए, और अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे बनाए जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें।